नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंसल। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मनरेगा के कार्य तो ग्राम पंचायतों में चलते ही थे, लेकिन कोरोना वायरस के दस्तक देने से देश भर के औद्योगिक संस्थानों में ताला लग गया है, जिससे करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए, जो शहर से पलायन कर अपने गांव पहुंचे, जिस पर राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार मजदूरों के लिए ग्राम पंचायतों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि शत प्रतिशत मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाए, जिससे कोई भी मजदूर भूखे पेट न सोए। लेकिन मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जनपद पंचायत मंझौली के अंतर्गत गांव पंचायतों का आलम ही अलग है। आपको बता दें कि मंझौली जनपद के अंतर्गत आने वाले आधे से ज्यादा तर गांव पंचायतों में जेसीबी और ट्रैक्टर से मनरेगा के कार्य को अंजाम दिया जाता है और फर्जी मस्टर रोल तैयार कर राशि आहरित कर ली जाती है। इसका ताजा मामला मंझौली जनपद के अंतर्गत आने वाली गांव पंचायत बोदारी टोला में मोतीलाल बैगा के खेत में मेड़ बंधान का कार्य जेसीबी मशीन से कराया गया है। ऐसे मनमाने तरीके से कार्य को जिस तरह से सरपंच और सचिव अंजाम दे रहे हैं, ये जनपद सीईओ के खुली छूट का नतीजा है। अगर समय रहते ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो इस महामारी के दौरान गांव में मजदूरों की स्थिति और भी भयावह हो जाएगी।